एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित छोया गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर है। लगभग 2500 की आबादी व 1100 वोटरों द्वारा अमर सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 255 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में 60 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 23 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 7 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 24 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 128 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान अमर सिंह, ग्राम पंचायत छोया से ग्राम प्रधान हूँ। मेरे ग्राम पंचायत में अधिकतर बहुत कच्चे रास्ते हैं, कुछ रास्ते में बनवा चुका हूँ। जो पैसा आया गांव के हिसाब से बहुत कम आ रहा है। पैसा आ तो सब कुछ करा रहा, जब पैसा नहीं तो क्या करा रहा। रही दूसरी बात, अब तक 10 नल तो रिबोर करा चुके हैं, बाकी 8-7 की और समस्या है रिबोर की। 15-20 हैंडपम्प की और आवश्यकता है ग्राम पंचायत के लिए। पानी की, गाँव में पानी की निकासी की नाली की व्यवस्था नहीं है। अब जितना पैसा आता है उस हिसाब से काम करा देते हैं। बाकी कच्चे रास्ते बहुत हैं, रास्तों की स्थिति बहुत खराब है। 128 शौचालय मिले थे और 128 शौचालय बनवा दिए हैं। और साहब हम तो यही चाहते हैं कि हम जो भी है शासन से पैसा आया उसको करावें। करीबन हमने जो पैसा आया करीबन कम से कम 200 मीटर इंटरलॉकिंग करा भी चुके हैं टुकड़ों में। हमारे गांव के रास्ते ज़्यादा ही ख़राब हुए पड़े हैं। प्रधान जी कहाँ से लगा जब पैसा नहीं आ रहा, सब खाते खाली पड़े हैं उनके, और पूरे गांव में रास्ते सब खराब पड़े हैं, सब खंजे टूट गए।